हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपके लिए लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट यहाँ पर लेकर आए हैं। दोस्तों, इस अपडेट को जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के अपडेट और नोटिफिकेशंस के अपडेट और लेटेस्ट वैकेंसी के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, यहाँ पर आज जो बात करने वाले हैं हम, वो है दिल्ली सॉर्बिडेंट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि DSSB से आज के लिए लेटेस्ट अपडेट आई है आपके लिए। दोस्तों, यह अपडेट आपकी स्टाफ नर्स वैकेंसी या नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी भी हम बोल सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2023 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिल्ली सॉर्बिडेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB से जो है अनाउंस्ड की गई लेटेस्ट अपकमिंग स्टाफ नर्स वैकेंसी, जो कि 310 प्लस होने वाली है। टेंटेटिव पोस्ट है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी हो सकती है। 310 यहाँ पर पोस्ट रहेगी। जल्द ही सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से नोटिफिकेशन DSSB स्टाफ गवर्नमेंट वैकेंसीज का जो है रिलीज़ हो जाएगा। जल्द ही इसके रिलीज होने की आशंका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल साइट यहाँ दी गई है DSSB.delhi.gov.in, यानी कि आपके लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है 2023 की। 2010, 2020, 2023 की जो है लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर 300 प्लस आपके लिए वैकेंसी होने वाली है। एज लिमिट आपकी 21 से 35 साल रहने वाली है। रिटर्न टेस्ट आपका यहाँ पर होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको पढ़ लेने हैं। DSSB.delhi.gov.in जो है इसकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जो कि जल्द ही अपडेट हो जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है? तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका रिटर्न टेस्ट रहेगा, जिसका सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। ANM नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स ग्रेड बी सभी के लिए यहाँ पर CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है, हम यदि सिलेबस की बात करें तो। और जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स का, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स की, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रहेंस 20 मार्क्स का, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपके 20 मार्क्स का। तो लगभग 100 मार्क्स का आपका सेक्शन ए रहने वाला है और सेक्शन बी आपका रहने वाला है, जो कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे और वो रहने वाले हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड। वो होंगे आपके टोटल 100 मार्क्स के। तो सैलरी यहाँ पर बात करें तो ANM की 19,000 प्लस रहने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर्स की यहाँ पर आपकी 7 CPC रहने वाली है, यानी कि 44,900 आपकी सैलरी रहने वाली है। 1 मंथ के अंदर इसकी आंसर की रिलीज हो जाती है दोस्तों। और यहाँ पर और भी अपडेट आप चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ को, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी IQ। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है। दवा यानी कि जो मेडिसिन से, उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। IV कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर 2.7
के सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको इन केस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो के अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।